कोई कितना बड़ा माफिया क्यों न हो जाए, लेकिन एक दिन उसका अंत जरूर होता है। जेल की सलाखें भी माफियाओं के बिना सुनी रहती हैं। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे माफिया को पकड़ा है जिसके सिर पे 7 लाख रुपए का इनाम था। ये कितना बड़ा माफिया है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 10 महीने में दर्जन भर लूट और 25 लोगों की जान इसी संदीप काला जठेड़ी के सिर पर है। जरायम की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसके लिए 5 राज्यों की पुलिस आरोपी उसका तलाश कर रही थी। यूपी के लिए भी काला जठेड़ी मोस्ट वांटेड था। पश्चिम यूपी के कई अपराधों में उसका नाम शामिल था। यूपी में 5 लाख रुपए का इनाम विकास दुबे के ऊपर रखा गया था, लेकिन काला जठेड़ी पे 5 राज्यों ने मिलकर कुल 7 लाख रुपए का इनाम रखा था। अब हैरत की बात यह है कि वो हरियाणा का बेशक है, लेकिन यूपी के क्राइम कुंडली में उसका किस्सा बहुत चर्चित है। अभी तक 5 राज्यों की पुलिस खोजने के लिए विदेश का चक्कर लगा रही थी। पुलिस को शक था कि वो विदेश में छिपा है, लेकिन वो हरियाणा में रहकर ही अपना गैंग चला रहा था और यूपी पुलिस ने सहारनपुर से उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस फोन ना टैप कर पाए इसके लिए बकायदे कोड वर्ड में बात होती थी। संदीप काला का नाम कोड वर्ड में अल्फा था, तो इसके एक साथी का नाम टाइगर और डॉक्टर था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शुक्रवार रात को गिरफ्तार किया है। अब 5 राज्यों का मोस्ट वांटेड संदीप काला भी मुख्तार अंसारी की तरह जेल में ही रहेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गैंग के पास 200 से ज्यादा शार्प शूटर हैं। फिल्मी स्टाइल में ये गैंग जान लेता है, फिल्मी स्टाइल में ये गैंग किसी को उठाता है और फिर घटना को अंजाम देता है। हरियाणा के सोनीपत के जठेड़ी गांव से निकलकर संदीप इतना बड़ा गैंग बना लेगा, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था। लेकिन बदलते वक्त के साथ अपनी जवानी में ही वो जरायम की दुनिया का बादशाह या किंग बन गया। इस गैंग की एक कहानी है, जेल की सलाखें माचिस के तीली की तरह होती हैं, जब मन करेगा तोड़कर निकल जाएंगे। आपको हमारी बात पे भरोसा नहीं है तो इसीलिए इतिहास हम आपको दिखाते हैं। साल 2020 के मार्च महीने में ही इस गैंग के गैंगस्टर कुलदीप फज्जा पुलिस हिरासत से भाग गया था, बाद में मारा गया, जबकि खुद संदीप काला हरियाणा पुलिस की कस्टडी से ही भागा था और अब करीब 1.5 साल बाद पकड़ा गया। कहते हैं जरायम की दुनिया चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन एक दिन खत्म जरूर होती है। जब श्री प्रकाश शुक्ला जैसे माफिया नहीं बचे तो फिर संदीप काला जैसे कबाड़ी किस्म के माफिया क्या बचेंगे, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।